तुम इस आदमी को जानते हो? सोलर पावर प्लांट के लिए 20 करोड़ का लोन दिलाएगा ये कहकर इसने मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए थे सर। तो यहाँ 4 करोड़ क्यों लिखा हुआ है? मेरे प्लांट के पावर को सरकार को बेचने की जिम्मेदारी ये लेगा ये कहकर इसने 2 करोड़ रुपए और लिए थे सर। तुम्हें इस पर यकीन कैसे हुआ? रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके ससुर हैं, ये इसने मुझसे कहा था सर। मैं तो इसे जानता तक नहीं। तुम बताओ। इसने मुझसे 3 करोड़ लिए थे और कहा था 100 गज का प्लॉट दिलवाता हूँ। अरे ये 100 गज के प्लॉट के लिए 3 करोड़ कौन देता है? अरे पृथ्वी पर नहीं सर, कहा था चांद पर दिलवाऊंगा। क्यों भाई, अब तुमने चांद पर भी जमीन बेचनी शुरू कर दी? सर, ये क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट चांद पर 100 गज का प्लॉट। आप बैठ जाइए प्लीज। योर ऑनर आगे बोलिए। इसने कहा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर, वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है इसीलिए मैंने दिया सर। ऊपर जाने की इतनी जल्दी क्या है? आपको इसने धोखा कैसे दिया? लिलीपुट के नाम से। हाँ लिलीपुट? What Lilliput? What is आप बैठे रहिए। हाँ आगे बताओ। अंगूठे के साइज का आदमी है सर। क्या, अंगूठे के साइज का आदमी? मैं भी चौंक गया था सर, फिर मेरे साथ धोखा हो गया। अरे आप यक्ष के बारे में जानते हैं मियाँ? आज भी बोम्बुरु पर्वत पर उनकी गुफा है, वहाँ उनके पूर्वज भी हैं। 10 दिन पहले ऐसे ही एक आदमी वहाँ पर घूमने चला गया। जब वो अपना काम कर रहा था उसे लगा एक पौधा दूसरे पौधे पे कूद गया और फिर उस आदमी ने उस पौधे को दबोचा। मियाँ इंसान की किस्मत कब खुल जाए पता नहीं चलता, पता है वो क्या था? लिलीपुट। वो आदमी उसे ले गया और फ्रिज में रख दिया। वो आदमी लिलीपुट को 1 करोड़ में बेचने की कोशिश कर रहा है, पागल आदमी, उसे पता नहीं उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ का आदमी? ऐसा कहकर वो मुझसे 50 लाख रुपए ले गया और मुझे धोखा दे दिया, उसके बाद ये आज दिखा है। बोलिए। इसने गजमुत्तू कहा था। लाखों हाथियों में सिर्फ एक के सिर पर वो खास निशान होता है, गजमुत्तू, जिससे किसी भी लड़की को वश में किया जा सकता है। मुझे देखो, इस उम्र में भी। क्यों भाई, तुम्हें इस उम्र में भी लड़कियां चाहिए? बड़े घटिया हो। शीका काई का पाउडर देने के लिए कहा था सर, ये मुझे रेडियम देने वाला था। दिस पावर स्पीयर विल लाइट अप योर एंटायर हाउस। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम सबको पावर मिलेगा, ये सबसे महंगी जड़ी बूटी है, गरुड़ संजीवनी। आइए ऑब्जेक्ट। बोलने दो इन्हें। ओके सिली कंप्लेंट्स यू। आप बैठ जाइए। एज यू से साउथ जोन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिला दूंगा, ऐसा ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगे। ब्लूबेरी डायमंड। लगता है आजकल धोखा खाने का भी फैशन बन गया है। द कोर्ट इज अर्जेंट। क्यों वकील है? केस हमारे हाथ में है ना, जज तो तुझे बात ही नहीं करने दे रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो, अंदर जो चल रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, मामला बाहर निपटेगा, उस पर ध्यान लगाओ। पीपी सर। हाँ। मैं अभी आता हूँ। आज मेरे क्लाइंट के केस की आखिरी सुनवाई है तो आप थोड़ा। मैंने आज तक आपको कभी मना किया है क्या? थैंक यू। ये आपके लिए। वो सब तो ठीक है लेकिन आई विटनेस का? वो मैंने संभाल लिया है। 33, 67, 92, 133, 167। Thank you. सबके मुंह नोटों से भर दिए हैं, अब कोई मुंह नहीं खोलेगा। अब देखना। ये तो बहुत अच्छे आदमी है, हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। भैरव स्वामी, भैरव स्वामी, भैरव स्वामी। रुको भाई, इस अदालत का माहौल देखकर मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिलने वाला है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए दूसरी अदालत है, चलो। छोड़ूंगा नहीं। हे बसवा, छोड़ दे मुझे। अबे सुन, तूने कहा तुझ पर भरोसा करें, ठीक था, तूने उस भरोसे का फायदा उठाया, चल वो भी ठीक था। नुकसान होने पर तूने पैसे देने का वादा किया, चल वो भी ठीक था, पर पैसे देने की बारी आई
तो तू कोर्ट पहुंच गया? देख मेरी बात सुन। गलत किया तूने। आराम से बैठकर बात अच्छा करते हैं। नहीं किया। पैसा बहुत बुरी चीज है, इसने अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ा। पैसे देने का वादा किया था ना तूने? कब देगा हमारा पैसा? मैं डरा रहा था उसे, इसकी वजह से ही हमारे पैसे डूबे। अब कम से कम शांति से खाना खाने देगा कि नहीं? हाँ, बेवकूफों की तरह बातें कर रहा था ये। चला साथ में खाना खाते हैं। चले बंटी, भट्टी में फेंक दे इसे। ठीक है, आजा भाई। उधर मत देखो, आगे चलो। चल भाई, भैरव स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। वो मुझे 4 साल पहले मिला था और अपनी ईमू स्कीम बताई थी। आप ईमू बर्ड्स पालने लगेंगे तो आपकी खेती भी अपने आप बढ़ जाएगी। ईमू से जो नाइट्रोजन मिलता है उससे खेत डबल रेट से उगेंगे। मेरे 500 करोड़ के बिजनेस में अब से आप मेरे पार्टनर हैं। पार्टनरशिप मुबारक हो। अरे भाई, इसका एक अंडा 1 लाख का है। सच कहा तुमने, 1 अंडा लाख का बिकता है? अरे इसका मीट ही 50 लाख रुपए किलो है। अरे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने सुना है इसके तेल से ये दवाइयां बनाते हैं। अरे ऐसे अचार चाटने से अच्छा होगा जाकर उस ईमू बर्ड पे पैसे लगाओ, पैसे डबल होते हैं। सारा गाँव लगा चुका है। जब देखो मेरे सिर पर नाचती रहती है। चलो, ये वाकई बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। इस बार चुनाव लड़ना तुम जरूर जीतोगे, देख लेना। हाँ। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप लोग मेरे पीछे आ जाइए। ईमू बर्ड फार्म के मालिक भैरव स्वामी लोगों के लाखों रुपए लूटकर फरार हो चुके हैं। अंडे लाखों के और पक्षी करोड़ों का, लालच में जनता ने खाया धोखा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब धोखा है। अरे जब लालच करोगे तो धोखा ही खाओगे ना। मैंने उस ईमू पर पैसा लगाने को कहा था, तुम्हें सारा का सारा पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? दिमाग में भूसा भरा है? डबल के चक्कर में सारा का सारा पैसा गवा दिया, अब यहाँ खाली बैठकर मेरा रास्ता रोक रहा है। कोई पंछी 1 करोड़ का कैसे हो सकता है, कैसे यकीन करें? अरे यार, लालच की भी कोई हद होती है। मैंने तो पहले ही कहा था ये लोग धोखेबाज हैं। लोग भैरव स्वामी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें धोखा मिला है। जब से ईमू बर्ड के मालिक को अरेस्ट किया गया है तब से वो बिना देखरेख की वजह से बीमार पड़ गए हैं। आप कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरे पैसे दिला दो, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पुलिस से डरकर मैं अपना मुंह छिपाता फिर रहा हूँ। ऐसी हालत हो गई कि अपने बीवी बच्चों तक से नहीं मिल पा रहा हूँ। भाई ये बता, तूने पुलिस केस क्यों नहीं किया? केस तो फाइल किया था और अदालत में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हम उसके अलग से निकाल लेंगे। सभी गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत उत्तम कुमार को बाइज्जत बरी करती है। मॉर्निंग सर। तो इसका मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए पैसा ही है? सर, ये पैसे ही डस्टर बनके मेरी सारी गलतियों को मिटा चुके हैं। जानते हो मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, दया आ रही है तुम पर। पता है क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा तैराक भी किसी नाले में तैर नहीं सकता। आज पैसों के पीछे भाग रहे हो ना?
देखना एक दिन यही पैसा तुम्हें ले डूबेगा। मुझे बद्दुआ दे रहे हैं? नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। सर, आपको एक सच्चाई बताऊं, पैसा हमें धोखा नहीं देता, हम पैसों को धोखा देते हैं। वो क्या है ना, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। हाथ तो मिलाइए सर। थैंक यू सर, चलता हूं, ख्याल रखिएगा। यू टेक केयर। उत्तम वकील साहब, लव यू, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। अब तो खुला आसमान है, सही कहा, उड़ जाओ। गुरु भाई, अरे भाई, वेलकम बैक। अच्छा तुम जरा इंतजार करो, मैं लॉयर को निपटा के अभी आता हूं। वैसे नंदू फोन पर बात करो। नंदू, वेलकम गुरु। वन पीस में जेल से बाहर निकला हूं। तो कमाल है गुरु, अब करेंगे नई शुरुआत, क्लीन स्वीप। सुना है गुजरात बड़ा चमक रहा है, अगला प्लान वही बनाते हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता गुरु। ए, कौन है तू, कौन है तू, क्यों लाया मुझे यहां? इधर ये खोल। चिल्लाना बंद कर, मैं तो यहीं पर चीर दूंगा। रुक जा। तो क्या करूं मैं? अच्छी तरह तोड़, और तब तक तोड़ते रहे इसको जब तक तोते की तरह बोले नहीं। बोल जल्दी, बोल पैसा कहाँ है, बता बता पैसा कहाँ रखा है। ए, चल तू पीटे से। ओए बोल पैसा कहाँ है, बोल बोल बोल, बोलता क्यों नहीं, जल्दी बोल, बोल बोल। ए तू हट, हट, बोल 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 बोल। अबे तू क्या, तेरा बाप भी बोलेगा? बोल नहीं तो खाल निकाल दूंगा तेरी। उठा इसको, इसको उठा और मुंडी को खांचे में फंसा। ये क्या लगा, पुलिस वालों की तरह पीट कर छोड़ दूंगा? तुझे तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा, आज तो सब कुछ बताएगा। बोल, जल्दी बोल, 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 बोल। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। उंगली टेढ़ी किया तब पकाना। दादा, इसका फोन बज रहा है। स्पीकर ऑन करो और उसके कान पे लगा। गुरु आपका फोन एकदम से कट गया था। आप हैं कहाँ? एक घंटे से हम आपको कोर्ट में ढूंढ रहे हैं। ए नंदू, मुझे भैरस्वामी और उसके गुंडों ने किडनैप कर लिया है। ये कैसे हो गया? इनका पैसा, इनका पैसा वापस देना है। अरे पैसों में क्या रखा है, वो आपसे बढ़कर है क्या? पर ये तो बताइए कि पैसे आपने कहाँ रखे हैं। मैं बताता हूं।